अब आपको बताते हैं हकीकत कहानी, इतना बड़ा शातिर इंसान असलम पट्टी उर्फ असलम बालक किस तरह से एक्सटोर्शन सेल की गिरफ्त में आ जाता है। कहानी है लंबात बिल्डिंग डोंगरी एरिया में उमर खाड़ी में। ये जो बिल्डिंग है छोटा शकील का साड़ू ने जो ली थी दस्तावेज, जो फर्जी डॉक्यूमेंट बना के उसकी वाइफ के नाम पे किए थे, उसमें बताया जा रहा है कि शहजादा असलम बालक इन लोगों ने मिलके पार्टनरशिप में उस बिल्डिंग को लिए थे और शिकायतकर्ता की शिकायत करने पर अब जाके एक्सटोर्शन सेल को बैक टू बैक इससे पहले भी कामयाबी मिली, अभी भी मिल रही है। फिर वक्त ये लोग पत्थर और जेल की सलाखों के पीछे। इससे ये साबित होता है कि चाहे कोई कितना भी इनकम टैक्स भरे, असलम बालक हो, सलीम फ्रूट हो, तारिक परवीन हो, अमजद रेडकर हो, रियाज भाटी हो, अदर्स डी कंपनी के जितने भी लोग, आज ज्यादातर लोगों को एक्सटोर्शन ने जो सेल ने जो इनको अरेस्ट करके एमसीओसी लगाई, ये सब लोग इनकम टैक्स भरते थे, आईटी पे क्लियर है। तो क्या आईटी पे क्लियर होने के बाद आदमी ये समझेगा इंसान कि वो अरेस्ट नहीं होगा? वो आपकी गलत फहमी है। कितना भी आप आईटी इनकम टैक्स भर लो, लेकिन जब एक्सटोर्शन सेल क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में आएंगे तो वो नहीं पकड़ती है, उनका काम अलग है, आईटी का काम अलग है। आज मुंबई जैसे शहर में लोग अपने आप को वाइड बताते हैं, लेकिन वो रहते हैं डी कंपनी के लोग। इसी तरह से एक्सटोर्शन सेल बैक टू बैक डी कंपनी के लोगों को बाहर निकालते जा रही है और उन्हें अरेस्ट करके उनके ऊपर एमसीओसी लगाया जा रहा है। और अभी कोर्ट ने 5 लोगों को आज एंटी एक्सटोर्शन सेल जो मुंबई क्राइम ब्रांच की जो यूनिट है, उन्होंने आज 5 आरोपी को प्रोड्यूस किया था और उनको आज 30 तारीख तक पुलिस कस्टडी कोर्ट ने दिया है। ये था कि उनके खिलाफ एलिगेशन है कि उन्होंने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी फॉर्म की और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत उन्होंने कुछ जो फिरियादी की जो जमीन थी, प्लॉट था, वो प्लॉट उन्होंने हड़प किया और वो कुछ बोगस डॉक्यूमेंट बनाए। इस तस्वीर को तो देखिए आप, हर कोई जानता है। इन दिनों चर्चा में साउथ मुंबई डोंगरी एरिया में रहने वाला असलम पट्टी उर्फ असलम बालक कैसे बना 200 रुपया पर डे कमाने वाला आज 200 करोड़ का मालिक। सूत्र बताते हैं कि महीने का 40 से 42 लाख रुपया रेंट आता है, ये इंसान आज बिल्डर कैसे बना। लेकिन फिर वक्त ये अथर और जेल की सलाखों के पीछे, एंटी एक्सटोर्शन सेल को काफी बड़ी कामयाबी मिली है, इसके साथ में और भी एंड अदर्स लोगों को अरेस्ट किया गया है। लेकिन आपको बताते हैं कि ये इंसान को इतना फास्ट पिकअप कैसे मिला, ये इंसान इतनी जल्दी करोड़पति कैसे बना, कई बिल्डिंगों का मालिक कैसे बना, आपको बताते हैं। मुंबई एक ऐसा शहर है हर कोई जानता, महाराष्ट्र में जो आया है मुंबई, मुंबई में अगर उसने राज किया है, मुंबई वालों के साथ अगर उसने सही से चला तो मुंबई ने भी अपना दिल खोल के उस इंसान को इज्जत दी। ये देखिए पहले बाल ठाकरे मुंबई जैसे शहर में, ये भी छोटे से घर में रहते थे लेकिन इनके पास कलम की ताकत थी, एक छोटे से पेपर में ये कार्टूनिस्ट थे, वहां से इनकी शुरुआत थी और इन्होंने एक पेपर बनाया, निकाले इनका खुद का सामना पेपर की ताकत से और ये आगे बढ़े और इन्होंने एक पार्टी का स्थापित किए, उसका नाम बनाया शिवसेना और हिंदुओं ने इन्हें हिंदुत्वता का सम्राट बना दिए और इनका नाम पड़ गया बाला साहब ठाकरे, जिन्होंने महाराष्ट्र के ऊपर कब्जा किए और महाराष्ट्र मुंबई करो को लेके चले। इंसाफ के लिए अगर इनकी आवाज बांद्रा मातोश्री से उठती थी तो उस दौर में मुंबई बंद हो जाता था, न्यूज में पहले आता था जब बॉम्बे था, बॉम्बे को मुंबई बनाने वाले के इन लोगों ने जो ताकत का अगर इस्तेमाल किए तो बहुत सही इस्तेमाल किए और इन्हें व्हाइट टाइगर कहा जाता था। दूसरा देखिए अमिताभ बच्चन, जो कि मुंबई शहर में आए और ये गेस्ट हाउस में ठहरे, इनकी जिंदगी गई और उसके बाद में इन्हें भी कामयाबी मिली और इन्हें फिल्मी दुनिया का महानायक कहा जाता है। उसके बाद में देखिए शाहरुख खान, ये भी आए दिल्ली से मुंबई में, स्टेशन पे सोए शाहरुख खान, रेंट के घर में रहे, आज शाहरुख खान को आज हर कोई जानता, किंग खान। और देखिए धीरू भाई अंबानी, जो के रेडीमेड कपड़ा जो बेचते थे अपने कंधे पे लेके निकलते थे, 60-60 पैसे की कॉफी पीते थे, अपना कपड़ा रखने की इनके पास जगह नहीं थी, दुकान वाले के बाहर रखते थे और जब दुकान बंद होती थी तो ये वहां रिक्वेस्ट करते रहते थे। आज धीरू भाई अंबानी के जो फैमिलीज है आज कहां से कहां टॉप पे पूरी इंडिया में। तो ये है मुंबई, अगर जो सही से चलता है तो उसे सराहती है और उसे बहुत ही इज्जत देती है, आज वो आपके सामने। अब देखिए असलम पट्टी असलम बालक की प्रॉपर्टीज आपको बताते हैं। ये जो डोंगरी बाजार में आपको टावर दिख रहा है, खैरुनिसा टावर जो दिख रहा है, किसी जमाने में असलम बालक यही रहा करता था, एक टावर की जगह पे 2 माले की एक छोटी सी बिल्डिंग हुआ करती थी।
नूरानी मंजिल, उसी में असलम बालक रहा करता था 100 स्क्वायर फीट के घर में। उसकी तमन्ना थी कि ये बिल्डिंग खरीदेगा और उसने इस बिल्डिंग को खरीदा। खरीदने के बाद में टावर बनाया। खैरुनिसा जो उसकी वालिदा का मां का नाम था, मां के नाम से प्रोजेक्ट बनाया। अब देखिए अजीज टावर, ये डोंगरी में ही ये भी आता है, ये असलम बालक का पहला प्रोजेक्ट था। उसके बाजू में देखिए ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा उसका ऑफिस है। अब उसके बाजू में देखिए इंडो अरब, ये होटल देखिए। अब पीछे देखिए ये एमिरेट्स होटल, ये भी असलम बालक का। अब ये देखिए डीसीबी बिल्डिंग, इसमें भी असलम बालक और शहजादा पार्टनर है। इस बिल्डिंग को खरीदे उन्होंने। इस डीसी बिल्डिंग का टॉप फ्लोर देखिए, टॉप फ्लोर के ऊपर असलम बालक रहता है। बताया जाता है कि करीब 7000 स्क्वायर फीट का पूरा टॉप फ्लोर है। और भी आगे प्रॉपर्टी दिखे, खांडा मोहल्ले में देखिए, वहां भी इंडोरा होटल। अब चेंबूर की प्रॉपर्टी जो है उसका हमने फोटो आपको नहीं बताया, उसका फोटो हमें नहीं मिला है। और काफी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो बताया जा रहा है। चौकी मोहल्ले में भी अभी एक टावर बन रहा है जो कि असलम बालक उसमें भी पार्टनर है। लेकिन ये जो सब हमने आपको प्रॉपर्टी बताया, इसमें असलम बालक की काफी प्रॉपर्टीज जो है, अब ये ईडी पता करेगी कि इतनी प्रॉपर्टीज कहां से आई। इनकम टैक्स मालूम करेगी कि इतनी प्रॉपर्टी का एक मामूली इंसान अचानक पिकअप करके करोड़पति कैसे बनता है, तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। एक्सटॉर्शन सेल और मालूम करेगी कि इतनी प्रॉपर्टीज जो आई है उसमें जिस तरह से फिलवक असलम बालक के ऊपर डी कंपनी का लेवल लग गया है। और पहले बताया जाता है कि काफी 90s के टाइम में असलम बालक को एमसीओसी हुई थी। बताते हैं कि उस जमाने में जबकि हाजी मस्तान, करीम लाला, वो लोगों का जब दौर चलता था तो वर्धा राजन और ये जो सब लोग थे, लेकिन माधव भाई करके कोई थे उस टाइम के, उनकी छत्र छाया में चल के असलम बालक आगे बढ़ा। लेकिन ये देखना है कि इस प्रॉपर्टीज में कितना गोलमाल है, क्या ये प्रॉपर्टीज पूरी व्हाइट है या ब्लैक है, वो तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। एक्सटॉर्शन सेल मालूम करेगी कि इसमें डी कंपनी के और कौन सदस्यों के साथ पार्टनरशिप है। ईडी, एनआईए और इनकम टैक्स पता करेगी और आगे क्या भेद खुलेगा, आपको आगे हम अपडेट देंगे। मुंबई से कैमरामैन शेख के साथ साजिद कुरैशी, एडिटर सुप्रिया टाइम्स।